कोई गेम करके जज को पटा लेंगे। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अभी अंधा है बूढ़ा और आलसी नहीं, रोगी है, रोगी खा दुराचारी चांडाल मूर्ख। हम कुछ सोच, ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों, ये जो चोर लुटेरों के पैसों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार अब तुम देखते जाओ मेरा खेल। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपए ले आए ना। तेरी कुर्सी छोड़ो और संन्यास ले लो। तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। तुम ये भूल गए हो कि तुम्हें ये कुर्सी पर मायने ही बिठा। उनके दलाल बनकर दलाली करने आए हो? ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे रेलवे लाइन, ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते हो। सच्चाई का ताज तुम अपने सर पर लेकर घूमते हो ना, इसे मैं यूं तिनकों में बिखेर दूंगा। ये लूट चलाइए और बेशरम होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो, नौकरी है नहीं लोगों के पास, व्यवस्था का बुरा हाल है। और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। अब तुम देखते जाओ मेरा खेल। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा ढंग से लूटपीट का संपूर्ण रूप से माल इकट्ठा कर भागने के लिए वह तैयारी कर ली जाएगी, और माल लेकर भाग जाए बुरा हाल हो जाएगा, अर्थव्यवस्था नोटबंदी करके पिटा दी जाएगी, लोग मुंह ताकते रह जाएंगे, फिर चालू होगी खुदाई, खुदाई ऐसी कि लोगों को खोद डाला जाएगा। एक एक पाए हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। क्या फरमाया आपने? बोलता अगर बोलता है तो कफन फाड़ के बोलता है। मनुष्य की सेवा भगवान की सबसे बड़ी तपस्या है। ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। हमारा किसान खेत में मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है, वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है, हिंदुस्तान के कोटि कोटि गरीबों का अधिकार है, और उनको वो धन मिलना चाहिए, ये हम संकल्प करते बोलो। माल कहीं ढोल कहीं पोल, सीधी बात टेढ़ी चाल। अरे